हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ घनश्याम धुवर और आप देख रहे हैं हिंदी टेक एंड टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सभी तो व्हाट्सअप यूज करते ही हैं और व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं हम अपने किसी भी फ्रेंड्स को मैसेज करने के लिए या व्हाट्सअप से फोटोज या वीडियो सेंड करने के लिए, जिसके लिए हमें सबसे पहले अपने व्हाट्सअप को ओपन करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको व्हाट्सअप की एक ऐसी प्रो ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे आप जानकर आप भी एक व्हाट्सअप के प्रो यूजर्स बन सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो ट्रिक क्या है तो मैं आपको बता दूँ। आप अपने व्हाट्सअप को बिना ओपन किए अपने व्हाट्सअप से आप किसी को भी अपने फ्रेंड्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एकदम प्रो ट्रिक है। ये ट्रिक अभी तक कोई नहीं जानता, सिर्फ आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो आप जान पाओगे कि बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए आप अपने व्हाट्सअप को बिना ओपन किए कैसे किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की प्रो ट्रिक की जानकारी मिल सके। चैनल पर पहली बार आया था, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस वाला आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक वाली वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रो ट्रिक को यूज करने के लिए आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है। ये ट्रिक आपको गूगल में ही वर्क करेगी, ये आपका क्रोम ब्राउजर में वर्क नहीं करेगी। आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिख कर एक मैसेज सेंड सर्च करना है जो है व्हाट्सअप मैसेज। इतना सा लिख कर जैसे आप सर्च करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा लाइक कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको टू पे क्लिक करके आपको उस कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप मैसेज करना चाहते हैं। तो यहाँ टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर का पूरा लिस्ट आपके मोबाइल का ओपन हो जाएगा। यहाँ से जिन्हें भी मैसेज करना चाहते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इस नंबर पर सेंड करना चाहता हूँ तो इस कॉन्टैक्ट नंबर को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ मैसेज पे नॉर्मली हम जो भी मैसेज टाइप करके सेंड करना चाहते हैं वो मैसेज आपको लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ जैसे हेलो लिखूंगा और यहाँ सेंड के आइकन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मैसेज ऑटोमेटिक मेरे व्हाट्सअप से उस नंबर पे, उस नंबर वाले व्हाट्सअप पे सेंड हो चुका है जिसे मैंने सेंड करना चाहता था। तो चलिए मैं अपने व्हाट्सअप को ओपन करके आपको दिखाऊँ। तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप ओपन किया और आप यहाँ देख सकते हो उस नंबर पे मैंने अपने इस व्हाट्सअप से हेलो लिखकर सेंड किया जबकि मैंने अपना व्हाट्सअप यहाँ ओपन ही नहीं किया है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ मैंने, आप देख सकते हैं मैंने हेलो लिखकर सेंड किया। चलिए और कुछ मैसेज मैं लिखकर सेंड करता हूँ। तो उसके लिए फिर से मैं वापस गूगल ओपन करूँगा अपना और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ मैं सर्च करूँगा व्हाट्सअप मैसेज। व्हाट्सअप मैसेज सर्च करने के बाद यहाँ फिर से टू पे क्लिक करके अपने उसी कॉन्टैक्ट नंबर को या जिस भी अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सअप में मैं मैसेज करना चाहूँ उनका नंबर सेलेक्ट करूँगा। नंबर सेलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स नीचे आपको मैसेज पे जो भी आपका मैसेज टाइप करना हो वो टाइप कर दीजिए। जैसे इस बार मैं टाइप करता हूँ गुड मॉर्निंग और इतना से लिख कर मैं यहाँ से मैसेज सेंड कर दूंगा। तो ये मैसेज मेरे व्हाट्सअप से उस बंदे को सेंड हो चुका है। तो चलिए मैं अपने व्हाट्सअप को फिर से ओपन करके आपको दिखाऊँ। तो मैंने अपने व्हाट्सअप को ओपन किया, आप यहाँ देख सकते हो गुड मॉर्निंग मैसेज यहाँ से सेंड हो चुका है मेरे व्हाट्सअप से उस बंदे को जबकि मैंने अपने इस व्हाट्सअप को ओपन ही नहीं किया फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी इस प्रो ट्रिक को यूज करके आप अपने व्हाट्सअप से, अपने किसी भी फ्रेंड्स के व्हाट्सअप से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं बिना व्हाट्सअप को ओपन किए। अगर आपका फ्रेंड्स अपने व्हाट्सअप पे लॉक लगा कर रखता है और आप उनके व्हाट्सअप से किसी को मैसेज करना चाहते हैं तो इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, बिना उसके व्हाट्सअप को ओपन किए किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।